नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या फिर है नाराज? कहां तक पहुंची अलवर की थाना गाजी सीट की विकास यात्रा? विधायक कांति मीणा की कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध थानागाजी विधानसभा सीट पिछले दिनों सुर्खियों में रही है। ये सीट प्रतापगढ़ और टहला तक फैली हुई है और यहाँ का ग्रामीण इलाका विकास में काफी पिछड़ा हुआ है। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र यूं तो शुरुआत में कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले तीन दशकों में यहाँ की सियासी तस्वीर बदली है। यहाँ हुए पिछले 7 विधानसभा चुनाव में 4 बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही, तो वहीं 2 बार निर्दलियों ने और 1 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इस सीट पर अब तक कोई भी विधायक 2 बार से ज्यादा जीत का रिकॉर्ड नहीं बना पाया है। यहां अब तक 2 बार जीत का रिकॉर्ड जयकिशन, रमाकांत, हेम सिंह भड़ाना और कांति प्रसाद मीणा के नाम है। जातिगत समीकरण की बात करें तो थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में 2,20,000 मतदाता है। सबसे ज्यादा मतदाता मीणा समुदाय से आते हैं, जबकि इसके बाद सबसे ज्यादा दबदबा गुर्जरों का है। वहीं बागड़ा ब्राह्मण का भी यहां खास प्रभाव माना जाता है। 50,000 मीणा, 32,000 गुर्जर, 45,000 ब्राह्मण, 15,000 वैश्य, 25,000 सैनी, 15,000 जोगी और 30,000 एससी समुदाय से मतदाता हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या विकट है। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो इस क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है और चिकित्सा सुविधा अभी भी जनता से महरूम दिखाई देती है। थानागाजी इलाके में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है और अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं आते हैं। बालिका शिक्षा के लिए भी कोई बड़ा कॉलेज नहीं मिल पाया है। सरिस्का से लगते हुए गांव में रजिस्ट्री पर बैन से किसानों में नाराजगी है। थानागाजी विधायक कांति मीणा ऐतिहासिक विकास कार्य कराने का दावा करते हैं। उन्होंने बताया कि 3 कॉलेज खुलवाए हैं और पानी की समस्या का समाधान करवाया है। जनता ने आशीर्वाद दिया और थानागाजी विधायक बनने का मेरे को मौका मिला। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन गई, मुखिया अशोक जी गहलोत थे और मेरे थानागाजी जनता की इच्छा थी कि अपने कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, क्यों कांग्रेस समर्थन करेंगे तो क्षेत्र विकास होंगे। इस चीज को लेकर के मैं गहलोत साहब से मिला और गहलोत साहब ने मेरे को आश्वस्त किया कि एमएलए साहब, आप अपनी जनता से जाके कह देना जो अशोक गहलोत के क्षेत्र में काम होंगे वो थानागाजी, और आप निश्चिंत होके जाएं, जो भी आपके विकास काम मैं करवाऊंगा तो गहलोत साहब की आशीर्वाद मान लो या उनका कमिटमेंट मान लो, उसको उन्होंने पूरा किया। जुडिशियल का मामला था मेरे यहाँ, वकीलों का काफी दिनों से चल रहा था, थानागाजी में एडीजी कोर्ट होनी चाहिए और एडीजी कोर्ट कैंप कोर्ट ही खुल जाए, लेकिन गहलोत जी से मेरी बात हुई, गहलोत साहब ने एडीजी कोर्ट ही खोल दिया और साथ में सीजीएम कोर्ट ही खोल दिया, ताकि थानागाजी क्षेत्र के लोगों को अलवर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो थानागाजी में रहकर के अपना जो कोर्टों से न्याय ये केस लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। हालांकि विधायक कांति मीणा के विरोधियों ने उन्हें हर मोर्चे पर विफल बताया है। बीजेपी नेता अशोक गुप्ता ने बताया है कि विकास नहीं होने से थानागाजी की जनता परेशान है और इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जो माननीय विधायक हैं इस वक्त, विकास के दावे तो चाहे कितने भी करें ये लोग, विकास के नाम पे शून्य है। विकास तो किया भारतीय जनता पार्टी के शासन में, हमारे विधायक थे और कैबिनेट मंत्री थे हेम सिंह जी, उन्होंने विकास की गंगा बहाई। भारतीय जनता पार्टी तो विकास का पर्याय है, जहां भाजपा का नाम आ गया विकास पहले। हालांकि बीजेपी ने हेम सिंह भड़ाना पर भरोसा जताया है और उन्हें एक बार फिर से यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीट से 2 बार के विजयी हेम सिंह भड़ाना को कांति मीणा के अलावा किसकी चुनौती मिलती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।
जनता ने आशीर्वाद दिया और थानागाजी विधायक बनने का मेरे को मौका मिला। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन गई, मुखिया अशोक जी गहलोत थे और मेरे थानागाजी जनता की इच्छा थी कि अपने कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को समर्थन करेंगे तो क्षेत्र विकास होंगे। इस चीज को लेकर के मैं गहलोत साहब से मिला और गहलोत साहब ने मेरे को आश्वस्त किया कि एमएलए साहब आप अपनी जनता से जाके कह देना जो अशोक गहलोत के क्षेत्र में काम होंगे वो थानागाजी और आप निश्चिंत होकर जाएं, जो भी आपके विकास के काम मैं करवाऊंगा गहलोत साहब की आशीर्वाद मान लो या उनका कमिटमेंट मान लो उसको उन्होंने पूरा किया। जुडिशियली का मामला था मेरे यहाँ, वकीलों का काफी दिनों से चल रहा था थानागाजी में एडीजी कोर्ट होनी चाहिए और एडीजी कोर्ट कैंप कोर्ट ही खुल जाए, लेकिन गहलोत जी से मेरी बात हुई, गहलोत साहब ने एडीजी कोर्ट ही खोल दिया और साथ में सीजीएम कोर्ट ही खोल। जो माननीय विधायक हैं इस वक्त, विकास के दावे तो चाहे कितने भी करें ये लोग, विकास के नाम पे शून्य है। विकास तो किया भारतीय जनता पार्टी के शासन में, हमारे विधायक थे और कैबिनेट मंत्री थे हेम सिंह जी, उन्होंने विकास की गंगा बहाई। भारतीय जनता पार्टी तो विकास का पर्याय है, जहां भाजपा का नाम आ गया वहां विकास पहले है। आप देखिए थानागाजी में जाएं आप तो आपने देखा होगा, मेन बस स्टैंड पे कोई देख लो आप, पहले कितना छोटा था आज कितना चौड़ा रोड हो गया उसका। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम मौजूद हैं अलवर जिले के थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर जो निर्दलीय विधायक के रूप में कांति मीणा जीते थे, उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। फिलहाल उनके द्वारा जो 5 साल में चुनाव के क्या वादे किए गए थे वो पूरे हो पाए हैं, विकास की क्या स्थिति रही है, इसके बारे में बात करने के लिए हम मौजूद हैं थानागाजी में। यहाँ की जनता से बात करते हैं, क्या विधायक के द्वारा जो वादे किए गए थे वो पूरे हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं? जी आप बताएं, किस तरीके से जो विधायक ने जो दावे किए थे विकास के, क्या बंदरों को भगाने के लिए, तो वो बंदर नहीं भगे अब तक भी, बंदरों कोई सुविधा नहीं करी जी, कपड़े उपड़े फाड़ देते हैं सब वो कर देते हैं। सरिस्का के जो इलाका है यहाँ लगता हुआ, आप सोचते कि अगर सरकारें इसको सोचे तो ये पर्यटन के साथ साथ एक रोजगार का बड़ा साधन बन सकता है, बहुत बड़ा टूरिज्म सेक्टर है वो बन सकता है, तो इसके लिए क्या कोई काम हो पाया है आपके? थानागाजी में ये जो सरकार रही है, सरकार ने तो देखो बहुत अच्छा काम किया गहलोत सरकार ने, उसके लिए तो गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ थानागाजी से निर्दलीय विधायक कांति प्रसाद मीणा था, ये कांति प्रसाद ना होकर के यदि बीजेपी का भी विधायक होता तो वो सरकार के काम है, वो तो सब जगह होते, इसमें कांति प्रसाद को विशेष योगदान नहीं है। लोकल क्षेत्र की अपन बात करें, पर्यटन की बात करें, तो ये जो रास्ता हमारा सरिस्का वाला जो बंद पड़ा है, आज तक कोर्ट में मामला चला आ रहा है, ये इन्हीं की देन है। दूसरी बात, पानी की समस्या है, करोड़ों रुपए राजस्थान सरकार ने पानी के यहाँ पास किए और यहाँ लोगों के पाइपलाइन तक नहीं बिछी, जिनकी पाइपलाइन बिछी उनमें आज तक पानी नहीं आया। चार चार पांच पांच दिन में एक बार पानी आता है पीने के लिए, जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। और यहाँ विशेष जाति समुदाय के लोगों के द्वारा मंदिर में मूर्तियां तक नहीं छोड़ी गई, मंदिर में मूर्तियां तक ये लोग चुरा ले गए। जहां कोई थोड़ी बहुत भी कोई सामूहिक जगह होती है, कोई भंडारा होता है, कोई आम सभा होती है, वहां से विधायक साहब खुद मौजूद रहते हैं, उनके सामने से मोटरसाइकिल वहां उड़ जाती है पूरे कैंपस में से, चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं यहां पर। आम जन एक थाने में एक एफआईआर तक नहीं करवा सकता, एक एफआईआर कराने के लिए भी उसे 5-5, 7-7 दिन का इंतजार करना पड़ता है, विशेष दबाव के साथ में लोकल लोगों को ले जाकर के एफआईआर करानी पड़ती है। थोड़ा बहुत जो काम हुआ है वो केवल जाति विशेष के ऊपर काम हुआ है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अपन गुड़ा से आगे तो मीणा क्षेत्र देखते हैं, केवल वही काम हुआ है। थानागाजी प्रॉपर लोकल को हम देखें, जो कि हमारा कस्बा है, सेंटर है, सेंटर पे विशेष कोई काम नहीं हुआ। हॉस्पिटल की अपन बात करें चिकित्सा की, तो चिकित्सा में आज तक यहाँ पर कोई बढ़िया डॉक्टर कोई यहाँ उपलब्ध नहीं है। डिलीवरी के लिए भी यहाँ के लोगों को अलवर, जयपुर, छापरा जाना पड़ता है, यहाँ डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। और एक्सरे भी यहाँ, सोनोग्राफी मशीन यहाँ पर नहीं है, प्लास्टर कराने के लिए भी एक आमजन को अलवर जाना पड़ता है। तो ये विधायक की पूर्णतः विफलता है, भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पर रहा है। राजस्थान में यदि भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो सबसे ज्यादा थानागाजी में हुआ है। आप लोगों ने न्यूज में भी देखा है, अखबारों में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि विधायक साहब के जो दोनों सपुत्र हैं वो 5 लाख की रिश्वत के मामले में जेल भी गए हैं, जेल काट कर आए हैं, वो कोर्ट में मामला चल रहा है। कैला क्षेत्र की अपन बात करें तो थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, कैला में 2500 बीघा का जो मामला है जमीन का घोटाला, वो पूरे विधानसभा में देखने को मिला है, वो कोई छुपा हुआ मामला नहीं है। तो भ्रष्टाचार तो यहाँ चरम सीमा पर रहा है, सरकार पूरी तरह विफल रही है, युवाओं को बड़ी हताशा लगी है, मैं इस सरकार की पूरी तरह से अवहेलना करता हूँ।
जो मुद्दे हैं खासतौर पर थानागाजी विकास को लेकर के कई आंदोलन भी हुए हैं, कई जो मुद्दे हैं उनको नहीं हो पाया। थानागाजी का जो सरिस्का का जो है मेन रास्ता है और जमीनों का आवंटन का मामला है उसको लेकर के, अब ये रोड का जो मामला है ये विचाराधीन न्यायालय में भी है, इससे आमजन बहुत परेशान है, ये रास्ता खुलना चाहिए। विकास के दावों में तो ऐसा है कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है थानागाजी के अंदर, प्लस बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। यहाँ अभी रिको इंडस्ट्रियल एरिया लगभग 1998 में डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन आज तक उसका विकास नहीं हो पाया है। रिको अगर डेवलप हो जाए तो यहाँ रोजगार की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। साथ में अभी यहाँ पे पानी के लिए 35-39 करोड़ रुपए पास हुए थे, लेकिन वो कागजों में ही रह गए, कागजों में सिमट के रह गए, पानी की कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। अब आगे अगर देखा जाए तो अपने यहाँ स्टेडियम में, आपके पास में ही स्टेडियम में 39 लाख रुपए पास हुए थे, लेकिन वहाँ भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्यों, कारण क्या है कि विकास को लेकर के दावे इतने सारे किए जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां चाहे कोई भी हो कमोबेश स्थितियां हो जाती हैं, जातीय जो मुद्दे हैं वो हावी हो जाते हैं जब चुनाव आता है। जातीय फैक्टर तो है ही यहाँ पे, जातिवाद का कुछ ज्यादा ही बोलबाला है। साथ में मुख्यमंत्री जी ने थानागाजी के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा पैसा दिया है, लेकिन वो प्रॉपर रूप से यहाँ लग नहीं पाया। जिस हिसाब से उन्होंने पैसा दिया है उस हिसाब से यहाँ पैसा लगा नहीं। आप बताएं कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, आप आए जो यहाँ जो समस्या है लोकल लोगों की, क्या जो मुख्य समस्या है यहाँ पे? देखो, मैं सब्जी मंडी, अनाज मंडी होनी चाहिए, हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, और पानी की यहाँ सबसे ज़्यादा अव्यवस्था हो रही है, पानी यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे हॉस्पिटल में भी सुविधाएं कम हैं, महिला डॉक्टर भी नहीं है, और सोनोग्राफी भी नहीं होती, या तो विराटनगर जाना पड़ता है, अलवर जाना पड़ता है। विकास क्या 5 साल में पूरा हो पाया है जो वादे किए गए थे? यहाँ पे एक कन्या महाविद्यालय भी नहीं है साहब जी, कन्या महाविद्यालय बहुत होना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़ में खुल गई, यहाँ कोई सुविधा नहीं। क्या कारण है, थानागाजी जो मुख्यालय है विधानसभा का, इसको ये विकास से महरूम रह रहा है? इसको पता नहीं, इसको कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, और आसपास के क्षेत्र में ध्यान देते, या कि जो विधायक आते हैं जो यहाँ सब जोरों से एक दूसरे पर मतलब धावा बोलते हैं, जातिवाद का नारा चल रहा है, और व्यक्तिगत जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण के हिसाब से मतलब इसकी द्वेषता की भावना से MLA साहब देखते हैं। और दूसरी बात, जैसे हमारा गाँव तिवारा है, तिवारा में MLA साहब ये कहते हैं कि मेरे को वोट ही नहीं है, वहाँ कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, पानी भरा हुआ है, अदर काम हो रहा है, यहाँ तो कोई ब्राह्मण MLA आएगा तो ही ब्राह्मणों की सुविधा होगी, न बाकी यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण इस तहसील से नदारद हो गए, बाकी ब्राह्मणों का कोई बोला बाला नहीं है, ब्राह्मण एक कोने में पड़े हुए हैं बेचारे। क्या मुझे मानते हैं कि राजनीति जाती है आधार पर आधारित होकर के केंद्रित हो गई है, क्या विकास की जो सोच है वो संकुचित जातियों पे आकर के अटक गई? जातियों पे आते अटक गई साहब, यहाँ गुजर गुजर को देख रहे हैं, मीणा मीणा को देख रहे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण को देख रहा है, तो ब्राह्मण का तो कोई मतलब ही नहीं है, ब्राह्मण का MLA नहीं है, ब्राह्मण कोई गिनती नहीं है। आबादी के हिसाब से क्या जातीय जो आरक्षण है वो लागू होना चाहिए, जिसकी अब आजकल बातचीतें बहुत ज्यादा हो रही है? बिल्कुल साहब, गहलोत जी ने जो निकाला था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और उसके ऊपर सरकार को गौर करना भी चाहिए जी। इनका कहना है कि गहलोत जो सर्वे कराई है सरकार, वो उसका पूरा होना चाहिए। आप सर बताएं किस तरीके से जो यहाँ का 5 साल का जो विकास है क्या वो पूरा हो पाया है, या केवल दावे हैं वो हवा हवाई रह गए हैं? दावे पूरे तरह से अधूरे रहे हैं, और विकास को लेकर के ये जातिगत जो मुद्दे बने हुए हैं, ये यथावत जो विधायक साहब हैं ये अपने समाज को लेकर के और उन्हीं क्षेत्रों में विकास प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं जहां इनका जातिगत बाहुल्य क्षेत्र है, जनरल समाज है, जनरल समाज पिछड़ी हुई है, और इस क्षेत्र में युवा नेता हमको चाहिए जो जनसेवक के रूप में विख्यात है थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में, भाई राजेंद्र प्रसाद शर्मा, और उनको पार्टी टिकट देनी चाहिए, और उनको विधायक के रूप में लोग यहाँ देखते हैं, पसंद करते हैं उनको ज्यादातर लोग जी। हो सकता है आप व्यक्तिगत किसी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आज जो मूल मुद्दा है आम जन की सुविधाओं को लेकर के वादे होंगे, अब अगला जो एक महीना चुनाव प्रचार का होगा बहुत सारे वादे होंगे, लेकिन उसके बाद आम आदमी अपने आप को लाइनों में पाता है, किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला पाता है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो भाई साहब, भ्रष्टाचार तो है ही, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर थानागाजी में सबसे मेन समस्या तो चिकित्सा की है, चिकित्सा को लेकर के प्रत्येक थानागाजी का नागरिक या बहुत दुखी है, या हॉस्पिटल में जाते हैं कोई सुविधा नहीं मिलती है, डॉक्टर लोग हैं अच्छे डॉक्टर बैठते नहीं हैं, या जातिगत के हिसाब से डॉक्टर बैठे हुए हैं,
और दूसरी बात यह है कि अगर छोटी सी भी अगर समस्या हो जाए यहाँ तो जयपुर तक ले जाए ना मरीज तो रास्ते में खत्म हो जाए। तो यह है कि चिकित्सा सुविधा को लेकर के यहाँ पर बहुत हालत खराब है। यहाँ पर 50 बेड की जो है इसको 100 बेड किया जाता है और यहाँ पर सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, इसके लिए हम बाहर जाना पड़ता है। चिकित्सा की अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है तो इससे डॉक्टर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पर पानी की विशेष समस्या है, नल समय पर नहीं आता है और पानी के लिए 2-3 दिन में पानी आता है, उसकी विशेष समस्या है यहाँ पर, बहुत ज्यादा समस्या है। और विद्यालय के पास गए तो कन्या विद्यालय गर्ल्स विद्यालय होना चाहिए, उसकी सुविधा दी है ताकि कन्याएं छात्राएं जो एक अपने आप को सेफ महसूस करे तो एक वो विकास हो सके। बालिका शिक्षा की बात कर रहे हैं कि यहाँ एक कॉलेज होने चाहिए जिससे बालिकाओं को शिक्षा मिल सके, आप बताएं बालिका शिक्षा को लेकर के और पानी की जो समस्या है वो कितनी ज्यादा है? यहाँ तो पानी 1% भी नहीं आ रहा, कहीं कोई से वार्ड में चल रहा हो पानी तो बिल्कुल नहीं, पैसे पानी के खा गए, कांति खा गया, सब खा गए पैसे। यहाँ कोई देख लो कोई नेता आ जाए सब खा जाते पैसे, एक भी किसी भी घर में चल जाओ पानी तो कहीं नहीं मिल रहा। ये है आप तो सबसे मुद्दा दे आया तो नल तो आते ही नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, वजह क्या टैंकरों से पानी डलवाना पड़ता है? टैंकरों से पानी 1000 रुपए मांगते हैं टैंकर के, वो दूर से पानी आता है यहाँ से, सबसे बड़ा ये पानी का है सबसे बड़ा समस्या जी। इन लोगों की जो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। सरिस्का का जो अलवर को जाने वाला रास्ता है वो एक मेन समस्या के रूप में उभर के सामने आ रहा है। देखो रोड तो बनाया, बाकी का छोटा मोटा जो काम है वो नहीं है, बाकी का जैसे और भी कोई विकास है जैसे मुसानों का बाउंड्री है, बाउंड्री हो गई, और भी छोटी मोटी कमी तो रही है। और क्या ऐसे काम थे वो और होने चाहिए थे जिससे यहाँ के लोगों को? यहाँ पानी की समस्या ज्यादा है जी, और एक शिक्षा की भी थोड़ी कमी है, और वैसे तो ये भर्ती वाला रोड चालू नहीं हो रहा है, इसकी भी थोड़ी कमी है। अलवर जाने के लिए क्या दिक्कत आती है? आती है इधर से, जैसे कोई ट्रैफिक जाता है तो फिर उसमें परेशानी आती है थोड़ी बहुत, वैसे विकास तो है जी। इनका मानना है कि यहाँ विकास हुआ है, आप बताएं किस तरीके से जो जनता है युवा है उनको क्या रोजगार मिल पा रहा है? रोजगार में भी ज्यादा नहीं हो पा रही, स्पेशली बात यह है कि स्पोर्ट यूथ को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, और जो पॉलिटिकल रूप से देखा जाए तो भेदभाव ज्यादा हो रहा है, जैसे अपने ही लोगों को हर चीज में सेटल करना, दूसरों के हित में नहीं सोच पाना, स्पोर्ट्स के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाना, और जैसे कि रही बात इन छोटे मोटे कामों की जो मेन रूप से है ना, जैसे नारायणपुर रोड है इसका बहुत डिले हो रहा है काम, और भी इस तरह के भेदभाव वाले काम हो रहे हैं। तो विकास के नाम पर भेदभाव हो रहा है क्षेत्रों को, किसी क्षेत्र में ज्यादा विकास हो रहा है किसी में, स्पेशली ये हो रहा है जैसे कि अपन नेड़ा वाला एरिया ले लें, वहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, लोकल रूप में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, अगर कुछ छोटे मोटे कोई मसले होते हैं रोड के लेके उसमें पक्षपात किया जाता है, अपने लोगों को पक्ष कर दिया दूसरों के लिए बात जी। इनका कहना है कि कुछ भेदभाव किया जाता है जी, आप बताएं कि यहाँ क्या समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है? अजी समस्याएं की तो सब बढ़िया ही बढ़िया काम हो रहा है, परंतु यहाँ ये साधु की नगरी है, साधु संतों की ये नगरी है, और यहाँ साधुओं को टिकट मिलना चाहिए, चाहे बीजेपी वाले हैं चाहे कांग्रेस वाले हैं, दोनों साधुओं को टिकट देना चाहिए, मेरा कहना ये साधु की नगरी है। रोजगार कांग्रेस सरकार काम खूब करवाई, मैं मानता हूँ इस बात को, पर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है तो ये रोड जा रहा है ना, ये रोड चालू कोई सा भी विधायक आए पर इसको रोड को चालू करा है, मेन बात ये है, ये सरिस्का से होता हुआ जाता है ना रोड, ये बंद कर रहे हैं क्या, लोडिंग वाहनों को बंद कर रखा है यहाँ से, और वैसे भी कोई अब जैसे लोकल है लोकल को चालू कर रखा है, पर कई बोलना पड़ता है हम ID दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ, ये बात मेन बात ये है। अगर किसी के पास भारी वाहन है और उसको जाना है तो इसका मतलब उसको घूम कर जाना पड़ेगा? नहीं, ये लोकल के लिए तो चालू कर रखे हैं ऐसी कोई बात, पर उसको भी कई बार रोक लेते हैं, वो दिखाओ ऐसा ही। थानागाजी में क्या जो विकास हुआ है, विकास को लेकर के जो लोगों की समस्याएं हैं क्या वो पूरी हो पाई है? आपका कौन सा गाँव है, कहाँ क्या समस्या है? भावनाथ चौगान मेरा गाँव है, और वहाँ पर थोड़ी सी दूर हमारे 3 किलोमीटर तक रोज पैदल आता हूँ, वहाँ पर 1% भी रोड नहीं है, 1% भी रोड बनाने की कोशिश, और ना पर वहाँ पर पानी है कुछ नहीं है। पानी की जो समस्या है वो पूरे इलाके में है, लेकिन कोई भी जल जीवन मिशन से बहुत पैसा आया था लेकिन वो नहीं लग पाया, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या काम करते हैं? पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ। तो आपको पता है कि युवाओं के लिए भर्ती हुए हैं वो कितनी सारी भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, उससे क्या युवा अपने आप को केंद्रित कर पा रहा है भर्तियों के प्रति? बहुत मुझे नहीं पड़ता, हमारे रोड नहीं बन रहा है बिल्कुल, ये बहुत साल हो गए फार्म सब कुछ, पानी नहीं है हमारे पास नगर पालिका में, नहीं तो टाइम से ईओ बैठता है नहीं जेएन बैठता है। 22 जून 2022 को मैंने पट्टे की फाइल का आवेदन किया था, अभी तक ना तो मेरा सर्वे हुआ है ना ही मेरे को पट्टा जारी हुआ है, और जो बाहुबली लोग हैं या फिर पैसे देकर उन्होंने अब तक 22 जून बाद आप देखो मौका मुआयना करो कितने पट्टे जारी हुए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि यहाँ एक गरीबी क्षेत्र है,
पट्टे, अगर पट्टे मिल जाएंगे तो लोग अपनी आजीविका साधन, जो जीविका चलाने के साधन है, उन साधनों का निर्माण कर लेंगे। और आपको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या समस्याएं मानते हैं आप यहाँ इलाके में, जो है मूलभूत सुविधाएं से जनता महरूम है, और क्या ऐसे विकास हैं जो आगामी जो चुनाव है उनको लेकर मुद्दे रहेंगे? जैसा आपको मैंने अभी पहला बताया कि थानागाजी में समस्याएं धरातल की बात करें तो यहाँ पर समस्याओं का बोलबाला रहा है। विकास की बात करें तो विकास जो हुआ है वो राजस्थान सरकार ने करवाया है, और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरे समस्त विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचा है। उसमें यहाँ के विधायक कांतिलाल जी का कोई विशेष योगदान नहीं है। अब वो श्रेय कांतिलाल जी को मिलता है वो एक अलग बात है योजनाओं का। धरातल की बात करें, व्यक्ति टू व्यक्ति की हम बात करें तो यहाँ पर आम आदमी को प्रत्येक चीज के लिए पानी की समस्या हो, चिकित्सा की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, उनसे महरूम रहता है। हेडक्वार्टर थानागाजी हेडक्वार्टर की बात करें, चाहे गर्ल्स कॉलेज हो, वो भी एक जाति विशेष क्षेत्र में ले जाकर के उन्होंने पटक दिया। जब गर्ल्स कॉलेज की यहाँ डिमांड थी, अनाज मंडी यहाँ आज तक नहीं है। स्वतंत्रता के बाद से थानागाजी यहाँ पर इतना बड़ा कस्बा है, यहाँ आज तक बस स्टैंड नहीं है। यहाँ रिको औद्योगिकरण क्षेत्र है, उसको किसी प्रकार का कोई बढ़ावा नहीं है। एक भी युवा को यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में, यहाँ कजारिया बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई, इसमें एक भी व्यक्ति को यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। जब यहाँ के लोकल लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता तो ऐसे औद्योगिकरण का यहाँ क्या फायदा है? विधायक महोदय को इसकी पालना करनी चाहिए थी, आगे अभिशंसा भेजनी चाहिए थी। इस बारे में कई बार मुद्दे उठे कि जो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ के संसाधनों का दोहन करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको रोजगार नहीं दिया जाता है। भिवाड़ी में भी ये मांग उठी थी लेकिन राजस्थान सरकार पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इसकी वजह से स्थानीय जो युवा है उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर कोई सुनता नहीं है। विधायक साहब अपने जो चहेते हैं उनको रोजगार दिलवाते हैं, बाकी आम जन, एक गरीब जन, गरीब तबका परेशान रहता है। नगरपालिका क्षेत्र की बात करें तो लाइटें, सड़कों पर लाइटें रात को बंद हो जाती हैं। चुनिंदा दो चार जो लोग हैं उनके घरों में पांच पांच लाइट चल रही हैं, जबकि आम जो रास्ता है, हाईवे है, गलियां हैं, सड़कें हैं, वो रात भर अंधेरे में जीवन यापन करते हैं लोग जी। और आपने जो कहा नगरपालिका की जो समस्या रखी, आप बताएं कि और लोग हैं इनसे बात करते हैं, क्या नगरपालिका में जो भ्रष्टाचार है या पानी की जो समस्या है, स्थानीय जो संसाधन है, क्या आपको जो नगरपालिका का है विकास करना चाहिए? पानी मिल पाता है, रोड राइट है, आपको रोड राइट है लेकिन जलती नहीं है वो, और कभी कभी दिन में जलती है। जो लगा रखी है उनमें भी टूट फूट हो रही है और वो भी सही तरीके से नहीं चल रही है, और सुविधाएं से अस्वस्थ चल रही है लाइट की और रोड की जी। और जो नाले वाले बनाए गए थे पानियों के वो भी टूट गए हैं, एक साल ही पूरा चला नहीं है घटिया सामग्री कारण, यानी आम आदमी को सुविधा अच्छी मिली नहीं जी। नगर परिषद में यहाँ बिजली की और पानी की जो समस्या है, रोड लाइट है वो पूरी नहीं बन पाई है, इसकी वजह से यहाँ के जो लोगों हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार चोरी की घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। राजेंद्र शर्मा, थानागाजी, अलवर।